Let us discuss the next topic, semicircle. We have already discussed how to find the area of a circle and how to find the perimeter of a circle. ठीक है, अब हमें वही बात करनी है semicircle में. We know that the area of circle is pi r square, where r is the radius of the circle. बट हमने ये भी डिस्कस किया था कि व्हाट इज द सेमी सर्कल. सेमी सर्कल क्या होता है? एक कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर, ठीक है, डिवाइड द सर्कल इन टू इक्वल एरियाज और टू इक्वल पार्ट्स. तो वो इक्वल पार्ट्स यानी कि वो क्या बन जाते हैं हमारे पास? सेमी सर्कल बन जाते हैं. ठीक है, यानी हाफ ऑफ द सर्कल इन सिंपल लैंग्वेज. ठीक है, अब बात करते हैं. अब देखो, कंप्लीट सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो हाफ का कितना हो जाएगा? हाफ पाई आर स्क्वायर बाय टू, यानी कि पाई आर स्क्वायर बाय टू इज द एरिया ऑफ द सेमी सर्कल. ठीक है, अब सिमिलरली हमें बात करनी है पैरीमीटर की. कंप्लीट सर्कल का जो पैरीमीटर होता है वो कितना होता है? टू पाई आर. तो हाफ सर्कल का पैरीमीटर यानी जो कर्व वाली हमारी लेंथ है सर्कल की, वो कितनी होगी? देखो ध्यान से, हमारे पास यहाँ सर्कल है जिसका सेंटर हमने लेट किया सी वन. आर्क की बात करते हैं ए पी बी, ये कितना है? टोटल सर्कल की हाफ लेंथ है, यानी कि बाउंड्री की हाफ लेंथ, यानी कितना हो जाएगा ये? पाई आर. ठीक है, अब देखो ध्यान से, ए बी, ए बी हमारे पास कॉर्ड है जो सर्कल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, और वो कॉर्ड जो सेंटर से पास होती है. ठीक है, एनी कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर क्या हो जाती है? वो डायमीटर हो जाती है, और डायमीटर कितना होता है? टू टाइम्स ऑफ रेडियस. यानी कि हमारे पास पैरीमीटर कितना आया सेमी सर्कल का? पाई आर प्लस टू आर, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? पाई आर प्लस डी, क्योंकि हमें पता है डायमीटर ऑलवेज द डबल ऑफ द रेडियस. ठीक है, सिंपल सी बात है, सभी को समझ आया होगा.